मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं सेमेस्टर 5 का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करा रही हूँ। आज मैं आपको करा रही हूँ कि इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस एंड फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें दो वीडियो डालूंगी। पहला होगा इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। तो इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस के पहले मैं बता दूँ कि मैंने इंश्योरेंस का मीनिंग, कैरेक्टर सब कुछ आप लोग को करा दिया है, डिफरेंस करा दिया है। तो इंश्योरेंस का मतलब है कि मनुष्य के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, किस तरह से जिंदगी सुरक्षित रहे वो प्रदान करना है। यानी जीवन में हमेशा जोखिम है, लेकिन हम चाहते हैं, और भविष्य अनसर्टेन है, कब क्या होगा नहीं पता है, लेकिन हम उस अनसर्टेनिटी को हम बीमा के द्वारा थोड़ा सा कम करने का कोशिश करते हैं, ताकि हमको ये सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि अगर हमारी जो कुछ भी हानि होती है उसकी ये भरपाई करता है। तो आज हम बीमा के महत्व या लाभ को बता रहे हैं, इसमें क्या क्या, इसमें किसको किसको क्या क्या लाभ होता है वो बता रहे हैं। सबसे पहले है एडवांटेजेस टू बिजनेस, यानी व्यवसाय को क्या लाभ होता है। पहला पॉइंट है इसमें कि व्यावसायिक जोखिमों से सुरक्षा रहता है। यानी व्यावसायिक जोखिम क्या है कि अगर मान लीजिए हमने बीमा कराया हुआ है, और हमारा बीमा कराने के बाद हमारे साथ में किसी भी तरह का कोई दुर्घटना होता है, तो बीमा कंपनी हमारे उस पैसे की भरपाई करती है, ताकि हम फिर से व्यवसाय को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर बीमा कंपनी हमें पैसे नहीं देगी तो हम फिर से खड़ा नहीं हो पा सकते। तो इसलिए क्या करता है हमारा, कि ये हमें व्यवसाय में सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है आर्थिक सुरक्षा का माध्यम। आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित है। यानी हमारा क्या है कि व्यवसाय में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं बीमा के पैसे को। हमें अगर मान लीजिए कि बीमा की अवधि के समय में हमारे व्यवसाय में किसी तरह का हुआ है, तो बीमा कंपनी हमें पैसे वापस करके हमें ये सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट कहता है साख का आधार है। साख मतलब क्या होता है कि पैसा क्रेडिट से संबंधित होता है। साधनों में एक व्यापारिक संपत्ति या बंधक के विरुद्ध ऋण प्रदान कर सकते हैं। यानी इंश्योरेंस के विरुद्ध भी हम लोन ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को कर सकते हैं, किसी भी तरह की अगर दुर्घटना हुई तो उसको पूरा कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट कहता है कि पूंजी की सुरक्षा प्रदान करता है। यानी पूंजी की सुरक्षा है, व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, पूंजी की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। क्योंकि अगर पूंजी ही हमारा व्यवसाय का एकमात्र सबसे मेन फंक्शन है, अगर पैसे हैं तो व्यवसाय हम छोटा बड़ा कोई भी शुरू कर सकते हैं। तो पूंजी की सुरक्षा प्रदान करती है। यानी हम अगर बीमा करा लेते हैं तो कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी से जो पैसे मिलते हैं उससे हम फिर से व्यवसाय को खड़ा कर सकते हैं। तो ये पूंजी की सुरक्षा हमें प्रदान करती है। फिर है साझेदारी व्यवसाय को लाभ होता है। साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है कि संयुक्त जीवन बीमा ले लिया जाता है, और बीमा की अवधि जो है सो दुर्भाग्य से अगर किसी साझेदार की मृत्यु भी हो जाती है तो बीमा कंपनी से एक बड़ी राशि प्राप्त होती है, और उस राशि से हमारा जो है सो व्यवसाय को भी चला सकते हैं, प्लस जिसकी दुर्घटना हुई है उसका भी हम कर सकते हैं। तो अभी है कि कारखाना के स्वामी को भी लाभ होता है। यानी जो बिजनेस में है, जो व्यवसाय कारखाना जो चला रहे हैं, उनको भी लाभ होता है कि अगर कोई वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बीमा कंपनी जो पैसे देती है तो अपने एम्प्लॉई को दे सकते हैं, ताकि उनसे क्या होता है क्षतिपूर्ति की भुगतानों कर सकते हैं। तो ये सारे व्यवसायियों को लाभ होता है। अब हम देखेंगे इसमें कि समाज को भी क्या लाभ होता है। तो जीवन स्तर में स्थिरता आती है। अगर हम बीमा कर लिए रहते हैं तो हमको लगता है कि चलो अगर भविष्य में दुर्घटना भी हुआ तो हमारा, हम कम से कम रोड पे खड़े नहीं हो जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ पैसे हमें अवश्य मिलेंगे जिससे हम कर सके। फिर है रोजगार के साधन। रोजगार के साधन मतलब अगर बीमा शुरू होता है तो बीमा में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और हमारे ही लोगों को रोजगार मिलता है जो आए दिन हमारे पढ़ाई करके घूम रहे हैं, उन लोगों को रोजगार मिलता है। फिर है आपका कि इसमें आपका सभ्यता का प्रतीक है, यानी सिंबल। अगर किसी भी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हमारा ये बीमा कंपनी देती है। व्यवसायिक स्थिरता रहती है, यानी हम बीमा कराए हैं तो बीमा कंपनी हमारी क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है, तो हमारा व्यवसाय भी स्थिर रहता है। उसके बाद है विनियोग में वृद्धि। अगर हम बीमा कंपनी में बीमा में प्रीमियम के रूप में पैसे चुकाते रहते हैं, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस करा है, प्रीमियम के रूप
उतने हम अपनी छोटी छोटी बचत को काट करके उसमें जमा करते हैं, और कुछ समय के बाद जब हमें वो प्रीमियम चुका देने के बाद, अवधि समाप्त होने के बाद जब हमें वो पैसे मिलते हैं तो हमारे बहुत काम के रहते हैं। यानी आज की छोटी बचत कल हमें क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी हमारी एक पूंजी के रूप में हमें वापस मिलती है। तो ये सब हमारा क्या हो गया कि ये समाज को लाभ होता है। परिवार को क्या लाभ? परिवार को बचत को प्रोत्साहन मिलता है। हम प्रीमियम के रूप में जो पैसे दे रहे हैं वो भी हमारा एक बचत ही है, और वो बचत के रूप में हम उसको दे रहे हैं। जोखिमों से सुरक्षा होता है, यानी कल को अगर किसी तरह का हमारे साथ दुर्घटना हुआ तो हमें वो पैसे मिलेंगे। और प्लस है कि आयकर में भी छूट होता है, इनकम टैक्स में भी अगर हम भर रहे हैं तो छूट हमारा। और परिवार के लिए आवश्यक व्यवस्था, यानी अगर हमारा रहता है कि हमारे जिंदगी और जिंदगी के बाद भी अगर हम नहीं भी रहे, हमारे परिवार में किसी तरह का दुर्घटना भी हो गया, तो ये हमारा जो परिवार, जो हमारी बीमा कंपनी है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। प्लस ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा रहता है, अगर ऋण की भी हम दे दें तो ये ऋण प्राप्त करने में भी सुविधा प्रदान करती है। तो इस तरह से हमारा बीमा का ये हमारा एडवांटेज है।